पुरुष ग्राहक क्या चाहते हैं, एक वेश्या से सुनिए। मैं इसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ कि पुरुष एक्चुअली चाहते क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति नहीं हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे समाज में, हमारे कल्चर में, संस्कृति में, हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि पुरुष मतलब एक मर्द है, वो बहुत रफ एंड टफ होता है, वो बाहर जाता है, कमाता है, पैसे लाता है, घर की पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर है, वो कभी इमोशनल नहीं होता, सेंसिटिव नहीं रहता, वो कभी रोता नहीं है। समझो कोई लड़का या कोई पुरुष रोता हुआ दिखा तो हम बोलते हैं अरे तू रो रहा है लड़की जैसा, ऐसा हम बोलते रहते हैं। तो हमारे कल्चर में ये मानना ऐसा है कि पुरुष है ना रफ टफ होता है, वो सब सहन कर सकता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, उसका दिमाग बड़ा होता है और वो कोई भी स्थिति में, कोई वातावरण में बिल्कुल खड़ा रहता है। शादी के लिए हमने ये सुना है कि शादी बोले तो लोग शादी करते हैं। शादी क्यों करते हैं कि भाई समाज में शादी करना जरूरी है इसलिए शादी करते हैं, अपना परिवार जो है बढ़ाना है, सेक्स करना है इसलिए शादी करते हैं। तो पुरुष और स्त्री समझो हम साथ साथ देखते हैं तो पहला विचार हमारे मन में आता है कि इनका कुछ तो भी लफड़ा है, इन्होंने सेक्स किया होगा। हम ऐसा सोचते भी नहीं कि पुरुष और स्त्री साथ में तो वो दोस्त होंगे और बिना सेक्स के भी रह सकते हैं। मेरे ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हैं कि जो ऐसा बोलते हैं कि नहीं मेरी मतलब वाइफ के अलावा उनके और एक दोस्त है, फ्रेंड है, मगर वो उनके साथ में जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सेक्स कभी करते नहीं है और उनके वाइफ को भी मालूम है कि ये सेक्स करता नहीं है करके, मतलब वो इतना क्लियर है। लाना जड़े ऑस्ट्रेलिया सिडनी की एक सेक्स वर्कर बहुत ही हेवी चार्जेस एक रात की लेती है, 2.5 लाख रुपये एक रात की वो चार्जेस लेती है। उसने डेली मेल में खुद ने कहा है कि जो मर्द मेरे पास में आते हैं, जो पुरुष मेरे पास में आते हैं, पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद में भी वो सेक्स करते नहीं है। वो उनकी चाहत है कि बैठो, बातचीत करो, उनकी दर्द भरी दास्तानें सुनो, उनके इमोशन सुनो, उनके साथ में बैठ के सुनकर जस्ट उनको एक अलिंगन दिया, एक झप्पी मारी, किसिंग किया। पुरुषों को ऐसा लगना चाहिए कि उनकी बातें इसने सुन लिया और ये अपने साथ में है, कोई तो भी सुनने वाला है, बस इतना हो गया तो उनको लगता है कि चलो अपने पैसे वसूल हो गए। लाना जड़े ने ये बोला है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो सेक्स करते भी नहीं है, सिर्फ वो चाहते हैं एक फ्रेंडशिप, एक पार्टनर। उसने ये बोला कि काफ़ी सारे लोग जो शादीशुदा है वो मेरे पास में इसलिए आते कि उनको कोई सुनने वाला है, उनके पास में बैठने वाला रात भर बैठ के सुनने वाली है, इसलिए वो आते हैं। काफ़ी सारे लोग रिलेशनशिप में हैं, उनकी फ्रेंड है, डेटिंग करते रहते हैं, मगर इसके पास में इसलिए आती इतने बड़े पैसे दे के कि ये लोगों का सुनती है। मेरे एक क्लाइंट है बॉम्बे के, मेरे पास में रेगुलर आते रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं पर्टिकुलर एक वेश्या जो है, उसने नाम बताया नहीं सीक्रेसी के इसमें, कि भाई उसके पास में इसलिए जाता हूँ कि मैं कभी करता हूँ कभी नहीं सेक्स करता हूँ, मगर इसलिए जाता हूँ कि उसके पास में जाने के बाद मुझे बहुत तसल्ली होती है दिल को। मैं बोलता हूँ ठीक है तुझे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले, मेरे साथ में बैठ बातचीत कर, मेरा दिल हल्का हो जाता है, उसके साथ में हंसी मजाक करता हूँ, बैठता हूँ, बातें करता हूँ, चले आता हूँ, कभी सेक्स किया कभी नहीं किया। ये हमको दर्शाता है कि पुरुष कोई ऐसा कोई जानवर नहीं है या पुरुष ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको कोई भावना ही नहीं। हर व्यक्ति को भावना होती है, हर व्यक्ति का सुनना होता है और यदि उनकी पत्नी ये काम करती है तो उनको बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पत्नी ये काम करती है मतलब कौन सा है कि भाई सुनना है, भावनाओं के साथ में बैठना है, सुनती है, उसको ऐसा लगता है पुरुष को कि नहीं मेरा मेरी पत्नी ने सुन लिया है, अपने साथ में वो दोस्त है, फ्रेंड एक है, तो उसको घर में सब कुछ मिल जाएगा, बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी शादीशुदा लोगों को शेयर करो। हमारा मकसद है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी हमारे पार्टनर बनिएगा। मेरा ऑनलाइन ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करो, आपको कोई भी सवाल होंगे तो ऑनलाइन आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं और आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच।